हिमाचल के सोलन में विदेश भेजने के लिए होटल में कुछ लोगों को ठहराया गया था जो कि बेहोश अवस्था में पाए गए। सोलन के निजी होटल के कमरे में कुछ लोग अचेत अवस्था में मिले। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर आई, मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। काफी हैरान करने वाला मामला है क्योंकि विदेश भेजने के नाम पर कुछ लोगों को लाया गया था। बेहोशी की हालत में सभी लोग पाए गए, अचेत अवस्था में पुलिस को मिले और उसके बाद स्थानीय अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। बताया गया कि जर्मनी भेजने के लिए एक एजेंट ने उन्हें यहां ठहराया था। इनमें कुछ महिलाएं भी शामिल बताई गई हैं। पुलिस होटल के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर मामले की जांच करने के प्रयास में है। तो अलग अलग राज्यों के लोग बताए गए हैं, अचेत अवस्था में पाए गए, लूट का इरादा भी, ठगी का इरादा भी बताया गया कि चूंकि पहले विदेश भेजने के नाम पर पैसे लिए गए, कुछ राशि ये लोग अपने साथ लेकर आए थे, कुछ पैसे साथ लेकर आए थे, उन्हें बेहोश कर वो पैसे लूटकर एजेंट फरार हो गया है। अब पुलिस देखिए जो होटल में कैमरे लगे हैं उनकी फुटेज खंगालने का प्रयास कर रही है, आरोपी की तलाश जारी है। साथ ही अचेत अवस्था में पाए गए सभी लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।